तो वही चैप्टर 3 एनसीईआरटी है ना, टॉपिक है अपना सेलों का संयोजन। और सेलों के संयोजन में हम लेने जा रहे हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। अब ध्यान से समझना है इसको, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन देखिए, जनरली अगर अपन समझें सिंपल लैंग्वेज में, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। लास्ट क्लास में अपन ने सेल पढ़ाए थे, सेल कैसे होते हैं, देखो सेल का सिंबल क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ये आपका सेल होगा और सेल के साथ क्या दिखाया जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। ये पहला सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध, इस सेल का विद्युत भाग बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1। सही, पिछली क्लास में समझाया सेल के बारे में। एक और सेल ले लेते हैं, दूसरा सेल, एक दूसरा सेल और लिया हमने, इसका विद्युत वाहक बल हम क्या मान ले बताओ, E2, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना मान ले बताओ हम, R2। दो सेल लिए, दो सेलों के विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। अब इनको कैसे जोड़ा, इनको इस प्रकार जोड़ा कि पहले सेल का अंतिम सिरा, देखो पहले सेल का अंतिम सिरा दूसरे सेल के प्रथम सिरे से जुड़ा है, फिर दूसरे का अंतिम तीसरे के प्रथम से, तीसरे का अंतिम चौथे के प्रथम से, अगर ऐसे जुड़ा हो तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब इन सभी सेलों को कैसे जोड़ा जाएगा, धारा कब बहेगी, जब परिपथ बंद होगा, तो परिपथ को बंद करेंगे, और परिपथ को बंद करेंगे तो सेलों को किसके साथ जोड़ा जाएगा, कोई बाह्य प्रतिरोध आर के साथ, किसके साथ जोड़ेंगे, बाह्य प्रतिरोध आर के साथ, क्योंकि सेल से क्या मिलेगी, धारा, और इस धारा का कहीं ना कहीं उपयोग करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा तो कोई बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं, प्रतिरोध के रूप में आप बल्ब लगा दो, पंखा लगा दो, फैन लगा दो, कोई भी जहां इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो दो सेल लिए, दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, एक बाह्य प्रतिरोध आर के साथ। अब क्या होगा, इन सेलों से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, मान लो इसमें धारा कितनी बह रही है बताओ, आई है या नहीं। अब क्या होगा कि ये एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, एक ही तार में जुड़े हुए हैं नहीं, तो एक तार में धारा जो बहेगी वो कैसी बहेगी, एक समान। एक तार में धारा कैसी बहेगी बताओ, बहेगी या नहीं, तो बताओ प्रत्येक सेल में से धारा कितनी गुजरेगी, इस सेल में से भी आई धारा गुजरेगी, इस सेल में से भी आई धारा गुजरेगी, ये बाह्य प्रतिरोध है इससे भी कितनी धारा गुजरेगी, आई। तो मतलब इसमें से प्रत्येक सेल में से कितनी धारा गुजरेगी, आई। तो क्या समझ में आता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाएं किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की, तो क्या बनेगी, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल से गुजरने वाली धारा क्या रहे बताओ, समान। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल से गुजरने वाली धारा समान रहे क्या कहलाता है बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन। माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 हैं और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 हैं, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े, एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ जुड़े हैं, इस परिपथ में एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब संयोजन कर दिया, अब मैं चाहता हूं कोई तुल्य सेल निकालना। तुल्य सेल का मतलब क्या है कि ये दो सेल यहां जोड़े गए, इन दो सेलों से जो धारा मिल रही है, अगर इन दोनों सेलों को यहां से हटा दिया जाए और इसकी जगह केवल एक ही सेल लगा दिया जाए, बड़ा सेल लगा दिया जाए, तो उस बड़े सेल से भी इतनी ही धारा मिलनी चाहिए, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको तुल्य परिपथ में बदलते हैं। यहीं पे मान लेते हैं कि ये बाह्य प्रतिरोध तो हमारा ऐसे ही जुड़ा हुआ है, सही है नहीं, लेकिन ऊपर हम क्या कर देते हैं, दो सेल हैं, दोनों को हटा के और इनकी जगह क्या लगा देते हैं, एक ही सेल लगा देते हैं, लगा दिया, ओके। अब ये जो सेल है, ये एक ही सेल हमने लगा दिया जिसका विद्युत वाहक बल कितना है बताओ, ई, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है बताओ, आर, मान ले। अब क्या होगा, ये अकेला सेल इन दोनों सेलों के बराबर काम करेगा, मतलब इस परिपथ में धारा कितनी बहनी चाहिए, आई, जितनी यहां बहरी उतनी यहां बहनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकेला सेल वही काम कर रहा है जो ये दोनों मिलके कर रहे थे, तो मतलब ये अकेला सेल इन दोनों के क्या हो गया बताओ, तुल्य। ये अकेला सेल इन दोनों के क्या हो गया बताओ, तुल्य। तो इसका विद्युत वाहक बल है वो क्या कहलाएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल। तो तुल्य विद्युत वाहक बल को हम लिखेंगे EQ, लगा देंगे नीचे EQ। EQ मतलब इक्विवेलेंट EMF, तुल्य विद्युत वाहक बल। और
ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसके भी नीचे हम क्या लगा देंगे, इक्यू, आर इक्विवेलेंट मतलब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तुल्य का मतलब समझ गए, इन दोनों के तुल्य मतलब इन दोनों को हटा दिया, इनकी जगह एक लगा दिया, अकेला भी वही काम कर रहा है जो दोनों मिलके कर रहे थे। अब हम पता करना चाहेंगे कि ये तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा और ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो पता करने के लिए हम क्या मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, टर्मिनल है या सिरा है ए, यहाँ एक बिंदु है कौन सा बताओ बी, और बीच में एक बिंदु ले लेते हैं कौन सा बताओ सी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से बिंदु होंगे, यही फोटो बना हुआ है सेम, तो यहाँ ये वाला बिंदु कौन सा होगा ए और ये वाला बिंदु कौन सा होगा बी, इसमें सी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के तुल्य है ये वाला, सही है नहीं। अब एक शब्द मैंने आपको समझाया था, टर्मिनल वोल्ट था, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, पिछली क्लास में समझाया मैंने कि जब कोई सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर ही क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। तो प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता पता करें, आप पता करें तो प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता, प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता, प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्ट करें, पहले सेल की निकाले। टर्मिनल वोल्टता का मतलब क्या है, सेल के सिरों के मध्य विभवांतर जब सेल बंद परिपथ में हो। तो बताओ पहले सेल के सिरे कौन से, ए और सी है या नहीं। ए सिरे पे हम विभव मान लें कितना वी ए, और सी सिरे पे विभव मान लें कितना बताओ वी सी। तो विभवांतर कितना हो गया, विभवों में अंतर कितना हो गया, वी ए माइनस वी सी। पहले सेल के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, वी ए माइनस, और ये टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। और टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, ई माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला क्या था, ई माइनस आई आर, पिछली क्लास में बताया मैंने आपको, लास्ट क्लास में, ई माइनस आई आर। कौन से सेल के लिए काम किया, पहले सेल के लिए, तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल लिखेंगे ई वन, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखेंगे आर वन, और धारा समान प्रवाहित हो रही, सही है नहीं, कोई डाउट इसमें। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए ज्ञात करो, इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए करें, तो बताओ इसके दो सिरे कौन से हैं, सी और बी। सी वाला कौन सा, उच्च विभव वाला सिरा, धन टर्मिनल वाला, और ये निम्न विभव, तो सी में से बी को घटाएंगे, तो सी बिंदु पर विभव माइनस बी बिंदु पर विभव, तो ये आ गया इस सेल के सिरों के मध्य विभवांतर, इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला ई माइनस आई आर, दूसरे सेल के लिए लिखेंगे तो ई टू माइनस आई आर टू, वो लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार इसके लिए करो, है ना, तो इसी प्रकार वी ए माइनस वी वी, आप समझ गए होंगे, आप यहाँ विभवांतर इस सेल के सिरों के मध्य विभवांतर वी ए माइनस वी वी। टर्मिनल वोल्टता कितनी हो जाएगी, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, बोलो कोई डाउट यहाँ तक, नहीं क्योंकि धारा तो समान है या नहीं। अब आप बताओ इसको आप दे दें समीकरण एक, इसको दे दें समीकरण दो, और इसको दे दें समीकरण, अब यहाँ लिख दो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, एक व दो को जोड़ने पर, आप समीकरण एक और दो को जोड़ दें, जोड़ो क्या मिलेगा, इसको और इसको जोड़ें क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी सी, यही है, इसमें क्या जोड़ना है, प्लस वी सी माइनस, इधर जोड़ें ई वन माइनस आई आर वन, इसमें क्या जोड़ना है, ई टू माइनस, जोड़ दें, देखो माइनस वी सी प्लस वी सी कैंसिल, तो क्या बचेगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, और बराबर इनको जोड़ो, ई वन में ई टू जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ई वन प्लस ई टू। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो माइनस आई, इन दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस आई, तो क्या बचा, आर वन प्लस, माइनस आई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू, बोलो बचेगा या नहीं। अब बताओ समीकरण तीन से क्या पता लगता है,
वी ए माइनस बी वी, वी ए माइनस बी वी किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये रख दें, तो क्या आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, इसकी जगह लिख दिया है, और बराबर में ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना कराने पर कर दें। तो दोनों पक्ष बराबर कब होंगे, दोनों की तुलना करो बराबर कब होंगे, जब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो, मतलब E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो, E1 प्लस, और माइनस ऐसे लिखा हुआ है, I ऐसे लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, R1 प्लस R2, बोलो होना चाहिए ना। तो जब दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा, E1 प्लस E2, मतलब दोनों के विद्युत वाहक बलों का योग, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या मिलेगा, R1 प्लस R2, मतलब दोनों के आंतरिक प्रतिरोधों का योग। समझ आया, तो जब दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उन दोनों के विद्युत वाहक बल भी जुड़ जाएंगे और दोनों का आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा, बोलो जुड़ जाएगा या नहीं, क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, ये तो अपन ने दो सेल की बात की, अगर अपन यहाँ एन सेल की बात करें, एन एन मतलब बहुत सारे, अगर एन सेल होंगे तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट बराबर ई वन प्लस ई टू प्लस डॉट 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 ई एन, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 हो जाएगा एन, अगर n सेल लेंगे तो n तक जोड़ देंगे, क्लियर है ना। अगर मान लें आपसे कह दें कि n n सेल लेने, समान सेल लेने, एक जैसे सेल लेने जिनका विद्युत वाहक बल भी समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, तो समान सेल अगर लेते हो आप n समान सेल, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इक्विवेलेंट बराबर पहले सेल का विद्युत वाहक बल E, दूसरे का भी E, तीसरे का भी E, कितनी बार, n बार, n समान सेल लिए तो फिर विद्युत वाहक बल कितना आ गया, एन ई, ई में ई जोड़ें दो ई, तीन बार जोड़ें तीन ई, एन बार जोड़ें एन ई, और आपसे बोल दें कि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पता करो, आर प्लस आर प्लस, क्योंकि समान सेल लिए एन बार, तो कितना आ जाएगा, एन आर, बोलो आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट, अगर समान सेल जुड़े हों तो तुल्य विद्युत वाहक बल एन ई और एन आर, बोलो जाएगा। अब इसी में आपसे पूछ ले, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि इसमें धारा पता करो, परिपथ में धारा कितनी बहेगी, परिपथ में एन समान सेल जुड़े धारा कितनी बहेगी, तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम से बताओ, ओम के नियम से परिपथ में प्रवाहित धारा कुल वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध, यही तो होता है, कुल वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल वोल्टता कितनी आई, मान लो इसी केस को ले ले, एन सेल जुड़े हुए हैं, तो कुल वोल्टता कितनी आ गई बताओ, एन ई, यही तो है वोल्टता, वोल्टता मतलब विभवांतर, मतलब विद्युत वाहक बल, तो कुल वोल्टता तो कितनी लिख देंगे बताओ, ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट, बोलो है या नहीं, ई इक्विवेलेंट आ गई कुल वोल्टता, और कुल प्रतिरोध कितना आ गया, तो बटे में क्या लिख देंगे, आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ये तो कुल विद्युत वाहक बल है, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, लेकिन परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध और जुड़ा होता है, परिपथ में क्या जुड़ा होता है, कुल विद्युत वाहक बल ले लिया, कुल आंतरिक प्रतिरोध ले लिया, तो एक बाह्य प्रतिरोध और जुड़ा होता है, तो इसको भी तो काउंट करेंगे, तो जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी आएगा और एक बाह्य प्रतिरोध भी आएगा, तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, ये बोलो आ जाएगा या नहीं, वापस समझे, इस परिपथ की आपको तुल्य धारिता निकालनी है, तो इसमें मान लो n सेल जुड़े हैं, n समान सेल जुड़े हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो तुल्य विद्युत वाहक बल ले लेंगे सबका, सबके विद्युत वाहक बलों को जोड़ लेंगे, तो तुल्य विद्युत वाहक बल आ गया ये इक्विवेलेंट, लिख दिया इक्विवेलेंट बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कौन कौन सा, एक तो आंतरिक प्रतिरोध,
तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ले लिया, और साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, सही है नहीं। अब मान लो n समान सेल जुड़े, तो E इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, बताओ ne, क्या लिख देंगे बताओ ne, और R इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लिख देंगे बताओ nr और प्लस r। तो ऐसे इस फॉर्मूले से हम परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब n समान सेल जुड़े हों किसी भी परिपथ, सही है। आगे आओ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि ये दोनों सेल जोड़े गए श्रेणी क्रम में जोड़े गए, लेकिन इनको क्या उल्टा जोड़ देते हैं, विपरीत, उल्टा, उल्टा कैसे जोड़ देते हैं बताओ, उल्टा कैसे जोड़ेंगे कि एक सेल को तो इधर से जोड़ दिया ऐसे, और एक सेल को इधर से जोड़ दिया ऐसे, समझ गए। उल्टे का पता कैसे लगेगा, ये प्लस माइनस, तो ये क्या मिलेगा माइनस प्लस, ये सेल एक ही क्रम में जुड़े हैं, देखो इनका क्रम एक ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक ही क्रम, और ये क्रम क्या हो गया बताओ उल्टा। तो अगर दो सेल हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया, विपरीत ध्रुवता, ध्रुवता उल्टी कर दी, ध्रुवता समझते हो ना, पोलैरिटी, ये ध्रुवता उल्टी कर दी, प्लस माइनस यहाँ पे उल्टा कर दिया माइनस प्लस, अब ये श्रेणी क्रम में जोड़ दी, अब बताओ तुल्य विद्युत वाहक बल क्या आएगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या आएगा। तो इस केस में तुल्य विद्युत वाहक बल जो होगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2, घटा दिया जाएगा E1 माइनस E2, क्यों, क्योंकि एक सेल वोल्टता को बढ़ाएगा तो दूसरा सेल वोल्टता को घटाएगा, क्योंकि विपरीत जुड़ा है, अगर एक ही क्रम में जुड़ा है तो दोनों ही बढ़ाएंगे, ठीक है, तो विपरीत जुड़ा हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। और यहाँ दूसरी गलती हम क्या करते हैं, अगर आपसे पूछ ले तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो आप लिखेंगे R1 माइनस R2, जो कि गलत है, आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा बताओ R1 प्लस, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध की ध्रुवता नहीं होती, प्रत्येक तार का प्रतिरोध होता है, प्रत्येक चालक तार का प्रतिरोध होता है, चालक तार को चाहे सीधा कनेक्ट कर लो या उसे पलट के कनेक्ट कर लो, प्रतिरोध तो उतना ही रहता है। चालक तार में कहीं टर्मिनल देखे, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, नहीं तो नहीं होते ना, सेल में ही तो होते हैं, तार में थोड़ी होते हैं, नहीं, तार को आप चाहे सीधा लगाओ या उल्टा लगाओ, प्रतिरोध क्या है, चालक तार में गुण है कि वो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। अब चालक तार आपने कनेक्ट किया परिपथ में, धारा बह रही है तो वो बाधा उत्पन्न करेगा, और उल्टा लगा दो तो भी धारा बह रही है बाधा उत्पन्न करेगा, करेगा नहीं, तो प्रतिरोध की कोई ध्रुवता नहीं होती है। तो ध्यान रखना है, अगर दो सेल विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हैं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो E1 माइनस, क्योंकि इनकी ध्रुवता बदल गई, लेकिन तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या आएगा R1 प्लस R2। तो ये था आपका NCERT बेसिस सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसी पे आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेलों के संयोजन में दूसरा लेते हैं, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, क्या मतलब है इसका समझना है। आपको दो सेल लेने, एक सेल ये ले लिया, एक सेल ये लिया, दोनों को इस प्रकार से जोड़ना है कि दोनों सेलों के धन टर्मिनल एक ही बिंदु पर जुड़े हों, दोनों सेलों के धन टर्मिनल एक ही बिंदु पर जुड़े हों, और दोनों सेलों के ऋण टर्मिनल किसी अन्य बिंदु पर जुड़े हों, ठीक है। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा बताओ, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाएगा, ठीक है। अब इन दोनों सेलों के साथ एक बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ा गया है, दोनों सेलों से धारा प्रवाहित होगी, पहले सेल से धारा प्रवाहित हो रही है I1 और दूसरे सेल से धारा प्रवाहित हो रही है I2। I1 और I2 दोनों जुड़ के कुल धारा कितनी हो जाएगी परिपथ में I। I1 प्लस I2 मिलके कितनी हो जाएगी I। मैंने मान लिया कि इन सेलों के विद्युत वाहक बल क्या है E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध क्या है बताओ R1 और R2, बोले है या नहीं। तो ये होता है आपका सेलों का समांतर क्रम संयोजन। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के सिरों के मध्य विभवांतर क्या रहे बताओ समान। देखो आप पहले सेल के सिरे कौन से हैं, ये और ये, पहले सेल के सिरे यही तो हैं, और दूसरे सेल के सिरे भी कौन से हैं, ये, मतलब ये सिरा कौन सा मान लें ए, और ये सिरा कौन सा मान लें अपन बी। तो पहला सेल देखो,
पहले सेल के या पहले और दूसरे दोनों सेलों के प्रथम सिरे कहाँ जुड़े हुए हैं? ए पर, और द्वितीय सिरे कहाँ जुड़े हुए हैं? बी पर। तो दोनों सेलों के मध्य, दोनों सेलों के सिरों के मध्य विभवांतर क्या रहेगा? समान। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिनके सिरों के मध्य सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के सिरों के मध्य विभवांतर क्या रहे बताओ? समान रहे, वो संयोजन क्या कहलाता है बताओ? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये दो सेल समांतर क्रम में जुड़े। अब इनका तुल्य सेल ज्ञात करना है, कैसे पता करें? इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों को हटा के और इनकी जगह एक ही सेल लगा देंगे, उसे एक सेल का तुल्य विद्युत भाग बल क्या मानेंगे? इक्विवेलेंट। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या मानेंगे? आर इक्विवेलेंट। वही ए और बी के बीच में हमने लगा दिया। तो ये अकेला सेल वही काम करेगा जो काम ये दोनों सेल मिलके कर रहे थे, क्योंकि इनकी जगह पे लगाया, इनके तुल्य लगाया। ठीक है, तो पता करें इस सेल का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो आप बताओ, शुरू करो। प्रत्येक सेल के सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता, प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता, और टर्मिनल वोल्टता का मतलब क्या होता है? सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। सही है नहीं? तो बताओ, पहला सेल सिरे ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो विभवांतर निकालो। विभवांतर ही क्या कहलाएगी? टर्मिनल वोल्टता। तो ए सिरे पर विभव कितना मान लें? वी ए। और बी सिरे पर विभव कितना मान लें? वी वी। और विभवांतर निकालेंगे तो क्या कर देंगे? माइनस। और यही क्या कहलाएगी? टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं, क्या? ई माइनस आई आर। पहले सेल की बात कर रहे हैं तो पहले सेल के लिए विद्युत वाहक बल ई वन, धारा आई वन, और आंतरिक प्रतिरोध आर वन। तो ई वन आई वन आर वन। सही। अब दूसरे सेल के लिए याद करो, दूसरे सेल के लिए बताओ टर्मिनल वोल्टता क्या आएगा? फॉर्मूला वी ए माइनस वी वी, वही वी ए माइनस वी वी बराबर क्या आ जाएगा बताओ? ई टू माइनस आई टू आर टू। अब बताओ इस सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता, तो ये भी ए और बी के बीच में ही जुड़ा है, तो वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो प्रत्येक सेल के सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता क्या रहेगी? समान। अब पहला केस ले लें, ये वाला ले लें, तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी वी, इसी को आगे हल करते हैं, बराबर ई वन माइनस आई वन आर वन। इसको प्लस में ले जाएं, इसको माइनस में ले आएं, तो आई वन आर वन बराबर ई वन माइनस वी ए माइनस वी वी। सही है क्या? बोलो। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। अब बताओ आई वन कितना आ जाएगा? धारा आई वन। आर वन का क्या लगा देंगे? भाग। आर वन या गुणा में इधर भेजेंगे, भाग में। तो क्या हो जाएगा? ई वन बटे आर वन माइनस वी ए माइनस वी वी बटे, भाग लगा दिया दोनों में, बोलो। आर वन या गुणा में पूरे के नीचे भाग में आ जाएगा, अलग अलग बटे कर देंगे, करेंगे या नहीं? ये आई वन आ गया। अब आई वन को दे दिया समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार अगर इसी प्रकार आप आई टू ज्ञात करना चाहो, आई टू, आई टू क्या आएगा? तो देखो सेम फॉर्मूला, वी ए माइनस वी वी बराबर ई टू माइनस, और इन दोनों को लेके हल करें ऐसे ही सारी स्टेप, तो आई टू क्या आएगा आप बता सकते हो? ई टू। इसी की तरह देखो, ई टू बटे आर टू माइनस वी ए माइनस वी वी बटे, बोलो आएगा या नहीं? और इसके लिए पता करें आई, तो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? इसको और इसको लेके हल करें तो इसी की तरह क्या आ जाएगा? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस वी ए माइनस वी वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। बोलो आ गया है नहीं? तीनों फॉर्मूले लिखे, समीकरण दो और समीकरण, क्या किया जाए? समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, तो यहां लिख दें आप समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, एक व दो को जोड़ने पर, जोड़ दें या तो ऐसे लिख दो, और ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख दो, कुल धारा, कुल धारा परिपथ में कुल धारा। तो ये कुल धारा कितनी होगी? आई, आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस, दोनों जुड़ जाएंगी क्या बन जाएगी? आई। तो कुल धारा आई बराबर आई वन प्लस आई टू। सही है नहीं? कैसे हल करें देखना इधर ध्यान से,
आई, आई का मान रखो, आई का मान ये रहा, क्या लिखेंगे ई, आई का मान क्या लिखेंगे बताओ, आई का मान क्या लिखेंगे आप, देखिए सभी, आई का मान लिखेंगे ई क्यूबलेंट अपॉन आर क्यूबलेंट माइनस वी ए माइनस वी वी अपॉन आर क्यूबलेंट। देखो आप समीकरण तीन से यही आएगा क्या, समीकरण तीन से, और बराबर आई वन और आई टू को जोड़ना है, आई वन और आई टू को डायरेक्ट जोड़ दें, आई वन और आई टू को जोड़ो, इसमें ये जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा आई वन प्लस आई टू करे तो इसमें ये जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू, आ गया, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इनको जोड़ो, इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, वी ए माइनस वी वी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक बटे आर वन प्लस एक बटे, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और वी ए माइनस वी वी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बताओ, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, सही है। अब बताओ अब क्या करें, दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो आप दोनों पक्षों की तुलना करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको बताओ, ये वाला पद इसके बराबर होना चाहिए, पहला पद पहले के बराबर, तो मतलब E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट बराबर E1 बटे R1 और प्लस E2 बटे R2, यही होना चाहिए, सही है। और दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो माइनस माइनस वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी, तो एक बटे आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, एक बटे आर इक्विवेलेंट बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे, बोलो यही होना चाहिए, नहीं क्लियर है, आया था याद करो तुलना कराने पे, एक तो आया था इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट बराबर, लास्ट क्लास में अपन ने किया था E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, एक तो ये आया था, और दूसरा रिजल्ट क्या आया था, एक बटे R इक्विवेलेंट बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2, बोलो यही रिजल्ट आया था दो सेलों के लिए। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था दो नंबर का, बड़ा आसान क्वेश्चन, देखो कैसे, आपको बताना था कि दो सेल यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, इसका सूत्र लिखना है, ठीक है, सूत्र व्युत्पन्न करना है या सूत्र लिखना है, सीधे सीधे लिखना था कि दो सेल हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं उनका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, पहले इसको हल करो, कैसे हल करेंगे, एक बटे आर इक्विवेलेंट बराबर लघुत्तम ले लेंगे, क्या आ जाएगा आर वन आर टू, R2 टू प्लस आर वन, उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ, R1 R2 टू बटे आर वन प्लस आर टू, ये आ गया तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, बोला है नहीं। अब यही तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो आया इसी को हम कहाँ रखते हैं बताओ, समीकरण नंबर एक में, समीकरण एक में रखें आप यहाँ, तो देखो इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट मतलब R इक्विवेलेंट मतलब ये वाला, तो क्या लिखेंगे R1 R2 बटे R1 प्लस, और बराबर में यहाँ ये वाला, इसका लघुत्तम ले लें तो लघुत्तम कितना आएगा R1 R2, यही आएगा, R1 का भाग लगाएंगे यहाँ तो क्या बचेगा R2, R2 को इससे गुणा करेंगे तो E1 R2, फिर प्लस R2 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा R1, और R1 को इससे गुणा करेंगे तो E2 R1 बचेगा है। अब आप बताओ ये नीचे से पलट के यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, और ये जो है ये नीचे क्या आ जाएगा R1 R2, ऐसे ही। अब देखो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, ये गुणा में है इधर, ये भाग में आ जाएगा तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया, तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आ गया
E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। बोला आ गया है नहीं? E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं? अब आगे देखो नेक्स्ट। ये आपको बताना था तुल्य विद्युत भाग बल का फॉर्मूला, यहाँ से ये दो नंबर में आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जब दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होगा और तुल्य विद्युत भाग बल का फॉर्मूला ये होगा। अगर इसी में ऐसे बोल दें अपन कि एन सेल जुड़े हुए हैं, एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो फिर कैसे निकालेंगे? यही दो स्टेप। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो कैसे निकालेंगे? 1/R equivalent बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, ठीक है। और तुल्य विद्युत भाग बल कैसे निकालेंगे? E equivalent upon R equivalent बराबर 1/E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 En/Rn। हुआ या नहीं? चाहिए? अब आगे आओ। यदि n समान सेल जुड़े हों, एक जैसे सेल समान सेल समांतर क्रम में जुड़े हों, तो क्या होगा? अगर समान सेल जुड़े हैं तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/R equivalent बराबर, समान सेल है, सबका आंतरिक प्रतिरोध समान होगा, सबका विद्युत भाग बल समान होगा, तो क्या आ जाएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 एन बार, 1/R 1/R डॉट डॉट डॉट, और एन बार यदि अपन जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है ये बताओ? एन आर। एन बार जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? N/R। देखो, दो बार जोड़ेंगे तो 2/R, तीन बार जोड़ेंगे तो 3/R, एन बार जोड़ेंगे तो N/R। तो 1/R equivalent बराबर N/R। अब उल्टा कर देंगे तो R equivalent तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया? R/N। बोलो आ गया है नहीं? ये तो निकाला तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तथा तुल्य विद्युत वाहक बल निकालें। तुल्य विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे? तुल्य विद्युत वाहक बल E equivalent/R equivalent बराबर, समान सेल जोड़े तो क्या लिखेंगे? E/R प्लस E/R प्लस E/R कितनी बार? N बार। E/R में E/R दो बार जोड़े तो 2E/R, तीन बार जोड़े 3E/R, और N बार जोड़े तो Ne/R। बोला आया नहीं? अब देखो, E equivalent ऐसे ही, और R equivalent ये अभी निकाला, कितना निकाला? R/N, और बराबर में क्या आ गया? Ne/R। बोला आ गया है नहीं? अब ये N यहां से पलट जाएगा, n कहाँ चला जाएगा? ऊपर, n ऊपर चला जाएगा, n को यहाँ से हटाया, कहाँ चला गया बताओ? तो देखो, n से n कैंसिल, r से, बोलो सही है नहीं? n से n कैंसिल, r से, तो क्या बचेगा? E equivalent बराबर E। तो मतलब तुल्य विद्युत भाग बल कितना मिलेगा आपको? E। तो आपको ध्यान रखना है, अगर n समान सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R/N, और तुल्य विद्युत वाहक बल उतना ही रहेगा जितना एक सेल का है। तुल्य विद्युत वाहक बल क्या रहेगा? E। क्लियर है? कोई डाउट? अब आपसे पूछ ले कि परिपथ में प्रवाहित धारा, जो परिपथ बना हुआ उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा कैसे निकालेंगे अपन? धारा ओम के नियम से I बराबर, इसी केस में तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E equivalent बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना आ गया? R equivalent आ गया है नहीं? और प्लस में लगाएंगे कैपिटल R। क्यों लगाएंगे? पहले जो डायग्राम बनाया था, डायग्राम में एक और क्या जोड़ा था? बाह्य प्रतिरोध जोड़ा था, है नहीं? ये तो क्या है? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, और एक क्या जोड़ा था हमने? बाह्य प्रतिरोध, तो इसको भी जोड़ देंगे। ऐसे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? कुल धारा। और आप चाहो तो इनके मान रख दो, E equivalent का मान कितना है? E, R equivalent का मान कितना है? इरा R/N और प्लस R। बोलो गैन? ऐसे आप धारा ज्ञात कर सकते हो। तो ये था आपके पास सेलों का समांतर क्रम।